तो धनबाद में डीवीसी की झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। बिजली कटौती से कोयलांचल की जनता त्राहिमाम कर रही है। आखिर विवाद क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए समझिए। से जनता त्रस्त, डीवीएस की मनमानी से लोग परेशान, 6 से 8 घंटे की हो रही है बिजली की कटौती। बकाया भुगतान को लेकर डीवीसी का पावर कट, डीवीसी की मनमानी से कोयलांचल के लोग त्रस्त हैं। हर रोज 8-8 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, जिससे पानी के संकट से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। घरों में इन्वर्टर की बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है। लोगों का ये कहना है कि बिजली का बिल जमा करने के बाद भी 20 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। लाइन मिलता नहीं है, डीवीसी का लोड शेडिंग चल रहा है, 8 घंटा 10 घंटा लाइन नहीं रहती है, टावर में पूरा दिक्कत हो रहा है। तो लाइन रहे चाहे बिजली बिल तो आती है। सरकार से क्या बात करते हैं? बिजली बिल ले रहा लेकिन लाइन तो सही से दे। उधर कांग्रेस का कहना है कि बिजली संकट के लिए रघुवर सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। डीवीसी का बकाया पिछली सरकार की देन है, जिसे दूर करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। रघुवर सरकार की देन है और जब तक रघुवर सरकार रही तब तक समूचा डीवीसी का बकाया बढ़ते गया और करोड़ों करोड़ रुपया डीवीसी का बकाया हो गया। अब चूंकि उस समय डबल इंजन की सरकार थी तो डीवीसी भी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अभी जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है तो ये खामखा दबाव बना रही है और जनता को परेशान कर रही है डीवीसी कि हमारा बिजली का बकाया इतना बकाया है। बहरहाल गलती किसी की भी हो, परेशान जनता है। जैसे भी हो इस समस्या का समाधान जल्द निकलना चाहिए, नहीं तो लोगों का आक्रोश जन आक्रोश में तब्दील हो गया तो प्रशासन की परेशानी बढ़ जाएगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ दिलीप की रिपोर्ट। बिजली बिजली बिजली, जिसके बगैर सब कुछ थम जाता है, विकास रुक जाता है और डीवीसी की मनमानियों से इसी बिजली के संकट से जूझ रहे हैं कोयलांचल के वासी। दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। दिलीप, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जनता तो बड़ी त्रस्त है, बड़ी परेशान है, समाधान कैसे निकलेगा, क्या कुछ हो रहा है? दिलीप, कुछ दिन पहले तक धनबाद को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है और कुछ दिन पहले कोयले को लेकर के संकट उत्पन्न हुआ था तो बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। लेकिन उसके बाद लोड शेडिंग पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और ये लोड शेडिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि डीवीसी का झारखंड सरकार के ऊपर बकाया है और बकाया राशि की मांग बार बार डीवीसी की तरफ से किया जाता है, जिसका भुगतान झारखंड सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा और ये मामला पिछले कई वर्षों से लंबित है। हालांकि इसको लेकर के पहल होनी चाहिए, लेकिन पहल केंद्र सरकार को भी करने की जरूरत है और पहल राज्य सरकार को भी करने की जरूरत है और जब तक ये पहल नहीं होगी उसका खामियाजा धनबाद की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोड शेडिंग से परेशान है जनता, डेली 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती होती है। कभी बिजली उस वक्त कट जाती है जब उन्हें पानी लेना होता है, सुबह में पानी सप्लाई बाधित होता है, ये परेशानी होती है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे और गर्मी तो जैसे तैसे निकल गया, गर्मी में भी ये समस्या जस की तस बनी थी, अब ठंड का मौसम आ गया और ठंड में भी लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जो लोग हैं वो बार बार सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो समय पे बिजली बिल जमा कर देते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं, बिजली बिल जमा करते हैं और घर में जो भी बिल उन्हें आता है उसका वो सही समय पे भुगतान करते हैं, उसके बावजूद पर ये समस्या तो है लेकिन समाधान तो निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर जनता है जब वो बिल जमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।